नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर इना राज आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों आप लोग लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का टॉपिक मेरा दोस्तों की दिनचर्या, कैसी हो आपकी दिनचर्या, स्वस्थ दिनचर्या। तो चलिए शुरू करती हूँ। मित्रों, हमारे देश में 3500 साल पहले एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था बागवत। वो ऋषि 135 साल तक जीवित रहे दोस्तों, और उन्हीं के द्वारा 7000 सूत्र लिखा गया। उनमें से एक सूत्र राजीव जी के द्वारा हम लोगों तक पहुँचाया गया दोस्तों। आज मैं उन्हीं के पहुंचाया गया सूत्र के बारे में जानकारी दूंगी ताकि आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोगों का दिनचर्या ठीक रहे। राजीव जी के सूत्र के अनुसार उनका कहना था कि बागवत जी कहते हैं कि भोजन का समय निश्चित रहना चाहिए। ये नहीं कि कभी 7 बजे खा लें, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे। जब भी खाएं तो आप अपना टाइम निश्चित कर लें। भोजन का टाइम निश्चित ही होना चाहिए, सुबह शाम दोपहर सभी का टाइम निश्चित रहना चाहिए दोस्तों। हमारा ये जो शरीर है वो कभी भी कुछ खाने के लिए नहीं है। इस शरीर में जठर है, उससे अग्नि प्रदीप्त होती है। तो भागवत जी कहते हैं कि जठर में जब अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र हो दोस्तों, उसी समय आप भोजन करें तो आपका खाया हुआ एक अन्न का हिस्सा पाचन में जाएगा और रस में बदलेगा, और इस रस में से मांस, मज्जा, रक्त, मल, मूत्रा, मेद और आपकी अस्थियां, इनका विकास होगा। समय के अनुसार दोस्तों मानव शरीर की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। प्रातः 3 से 5 इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से फेफड़ों में होती है। थोड़ा गुनगुना पानी पीकर खुली हवा में घूमना एवं प्राणायाम करना चाहिए। इस समय दीर्घ श्वसन करने से फेफड़ों की कार्य क्षमता खूब विकसित होती है। उन्हें शुद्ध वायु और ऋण आयन विपुल मात्रा में मिलने से शरीर स्वस्थ और स्फूर्तिमान होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग दोस्तों बुद्धिमान और उत्साही रहते हैं, और सोते रहने वालों का जीवन निस्तेज हो जाता है। प्रातः 5 से 7 बजे तक इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से आत्म होती है। प्रातः जागरण से लेकर सुबह 7 बजे के बीच मल त्याग एवं स्नान कर लेना चाहिए। सुबह 7 के बाद जो मल त्याग करते हैं उनकी आंतें मल में से त्याज द्रवांश का शोषण कर मल को सुखा देती है। इससे कब्ज तथा कई अन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बिस्तर से उठते ही मूत्र त्याग देना चाहिए, उसके बाद ही गुनगुना पानी पिएं दोस्तों। उसके बाद प्राणायाम करें और खुली हवा में जरूर वॉक करें। स्नान सदा शीतल जल से ही करना चाहिए दोस्तों। स्नान के समय सर्वप्रथम सिर पर ही सबसे पहले पानी लें, उसके बाद ही पूरे शरीर पर लें। ऐसा करने से मस्तिष्क की गर्मी पैरों से निकल जाती है। दिन में 2 से 3 बार कम से कम अपने मुंह में पानी भरकर आंखों पर छींटा मारें। इससे आंखों का एक्सरसाइज हो जाता है और नेत्र स्वस्थ रहते हैं। नहाने से पहले और सोने से पहले एवं भोजन के पश्चात मूत्र त्याग अवश्य करना चाहिए। यह आदत आपको कमर दर्द, पथरी तथा मूत्र संबंधी बीमारियों में बहुत ही फायदेमंद है। शरीर की क्षमता अनुसार प्रातः भ्रमण योग व्यायाम जरूर करना चाहिए। भोजन के 30 मिनट पहले तथा 1 से 1.5 घंटे बाद तक जल नहीं पीना चाहिए। भोजन के साथ जल नहीं पीना चाहिए, 2 घूंट पी सकते हैं। दिन भर में 3 से 4 लीटर जल थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। भोजन के प्रारंभ में मधुर रस पीना चाहिए। भोजन के प्रारंभ में मधुर रस, मध्य में अम्ल लवण रस तथा अंत में कटु या उसे कहिए तीखा चटपटा कसेला रस के पदार्थों का सेवन करना चाहिए।
भोजन के बाद वज्रासन में दोस्तों कम से कम 5 से 10 मिनट तक अवश्य बैठें तथा बाई करवट 5-10 मिनट लेटना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद दौड़ना टहलना नहीं चाहिए। भोजन के तुरंत बाद दौड़ना तैरना नहाना मैथुन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है दोस्तों। भोजन करके तत्काल सो जाने से पाचन शक्ति का नाश हो जाता है जिसमें अजीर्ण कब्ज आसमान अम्लपीत जैसी व्याधियां हो जाती है। इसलिए सांझ का भोजन करने से सोने से 2 घंटे पूर्व हल्का एवं सुपाच्य भोजन करना चाहिए। सुबह का भोजन दोस्तों 9 से 10 बजे लास्ट कर लेना चाहिए। जितना सवेरे का भोजन करेंगे उतना ही आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और दोपहर का भोजन 12 बजे तक करना चाहिए और शाम का भोजन दोस्तों सूर्यास्त के आधा घंटा पहले ही कर लेना चाहिए। सुबह के भोजन के बाद फल का जूस जरूर लें। दोपहर के भोजन के बाद आप मट्ठा या छाछ जिसको कहते हैं दही ले सकते हैं। और शाम के भोजन के बाद सोने समय रात को दूध अवश्य लें। इससे आपके शरीर को बहुत ही लाभ पहुंचेगा। शरीर एवं मन को तरोताजा एवं क्रियाशील रखने के लिए औसतन 6 से 7 घंटे की नींद आवश्यक है। गर्मी के अलावा अन्य ऋतुओं में दिन में सोने एवं रात्रि में अधिक देर तक जगने से शरीर में भारी ज्वर्स जुकाम सिर दर्द एवं अग्निमांद होता है। दूध के साथ दही नींबू नमक तिल उड़द जामुन मूली मछली करेला आदि का सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों। त्वचा रोग एवं समतहल होने की संभावना रहती है। स्वास्थ्य चाहने वाले व्यक्ति को मूत्रमल शुक्रपान वायु बमन छींक डकार जम्हाई प्यास आंसू नींद और परिश्रम जन स्वास्थ्य के वेगों को उत्पन्न होने के साथ ही शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। रात्रि में सोने से पूर्व दांतों की सफाई जरूर करें दोस्तों और पैरों को शीतल जल से धोकर ही सोना चाहिए। रात्रि में शयन से पहले अपने किए गए कार्यों की समीक्षा कर अगले दिन की कार्य योजना जरूर बनाना चाहिए। तत्पश्चात गहरी एवं लंबी सहज श्वास लेकर शरीर को एवं मन को शिथिल करना चाहिए। शांत मन से अपने दैनिक क्रियाकलाप तनाव चिंता विचार सब प्राप्त चेतना को सौंप कर निश्चिंत भाव से निद्रा की गोद में जाना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा। आपके स्वास्थ्य से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। स्वास्थ्य ठीक तो सभी ठीक। आप कितनों भी कमा लें लेकिन हेल्थ ठीक नहीं रहे तो उससे और बुरी चीज क्या हो सकती है। इसीलिए दोस्तों प्रकृति का नियम का पालन करिए और स्वस्थ रहिए क्योंकि ये पालन करने से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है कोई अस्थमा पेशेंट है किसी को भी बात का गंभीर रोग है या कोई भी रोग है तो आप ये सूत्र चालू कीजिए और 3 महीने बाद आप फिर से चेक कीजिए तभी आपको पता चल जाएगा कि आपका शुगर लेवल कम हो रहा है अस्थमा कम हो रहा सब कुछ कम हो रहा। 3 महीने बाद आप फिर चेक कराइए आपको पहले से बहुत कम मिलेगा। LDL बहुत तेजी से घटेगा दोस्तों HDL बढ़ेगा। HDL बढ़ना ही चाहिए LDL VLDL कम होना ही चाहिए। ये सूत्र भागवत जी का जितना संभव हो दोस्तों आप ईमानदारी से पालन करिए और स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने के लिए दोस्तों 5 से 6 बातें बहुत ही अहम हैं। भोजन करने समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। जब भी भोजन करें तो तेज गति से नहीं करें। जब भी भोजन करें तो धीरे धीरे करें चबा चबा कर खाएं। और भोजन के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी पिएं दोस्तों। जब भी पानी पिएं तो घूट घूट कर ही पिएं। ये सब नियम का यदि पालन करेंगे तो आप लोग बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। ये सब भागवत जी का सूत्र है दोस्तों। उनका ये नियम का पालन कर हम लोग सभी स्वस्थ रहें मस्त रहें। जब भी भोजन करें चबा चबा कर ही खाएं। भोजन मात्रा में ही खाएं बहुत ज्यादा ना खाएं बहुत ज्यादा कम नहीं खाएं।
और रात में जब भोजन करें दोस्तों, तो भोजन के बाद 500 या 1000 कदम जरूर टहलें, इससे बहुत अच्छा रहता है। और टहलने के 1-2 घंटे बाद ही आप बेड पर जाएं, तभी ही नींद लें। ये सब बात का अनुसरण करके हम लोग सभी स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोग का बहुत पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि हम भी जान सकें कि आप लोगों का क्या राय है। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में अपने राय दीजिए। और दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।